नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इन बिसन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। सीएम शिंदे को जान से मारने की मिली धमकी, सरकारी और निजी आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को दिया गया प्रचंड नाम। अलग अलग राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव, तो वहीं 6 नवंबर को होगी मतगणना। बम की धमकी के बाद चीन की तरफ बढ़ रहा है विमान, जयपुर में लैंड करने से किया गया इनकार। राजनाथ सिंह जोधपुर में पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन प्रोग्राम में होंगे शामिल। पुलवामा में आतंकी हमला, पुलिसकर्मी शहीद, सीआरपीएफ का जवान हुआ घायल। पीएम मोदी ने बापू को किया याद, राजघाट पर दिग्गज नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आईसीयू में भर्ती, तबीयत नाजुक। और शिंदे सरकार का सरकारी अधिकारियों को फरमान, फोन पर हेलो की जगह बोले वंदे मातरम।